नालागढ़ के पहाड़ी क्षेत्र रामशहर की पंचायत नंड के गांव खरपाना में कल दो मंजिला मकान में आगजनी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पूरा परिवार बेघर हो गया। अब पूरा परिवार ठंड के मौसम में बाहर सोने को मजबूर है। देखा जा रहा है कि परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, इस मकान में तीन भाई एक साथ रहते थे, जिनके सिर पर ढकने को अब छत भी नहीं बची है। उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग उठाई है। इस आगजनी की घटना में तकरीबन 20 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरदीप बावा ने खरपाना गांव में जाकर पीड़ित परिवार के साथ दुख साझा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने परिवार वालों को सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि प्रशासन से जो भी संभव सहायता हो सकेगी वो जरूर करवाएंगे। हरदीप सिंह बावा ने पीड़ित परिवार को अपने निजी कमाई से 10,000 की सहायता राशि प्रदान की। बावा हरदीप सिंह ने बताया कि नंड पंचायत के खरपाना गांव में पंडित रमेश व श्यामलाल के घर आगजनी की घटना हुई थी। आज वह मौके पर मुआयना करने आए हैं और यहां देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने खास तौर पर कहा कि हर गाँव को सड़क से जोड़ना चाहिए, ताकि कभी भी कोई दुर्घटना हो तो प्रशासनिक मदद मौके पर पहुँचाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार से उनकी अपील है कि जो भी आर्थिक मदद हो वो पीड़ित परिवार को दी जाए। और साथ ही हरदीप सिंह बावा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नुकसान की रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करके सरकार को मुआवजे के लिए भेजें। सर कल लगी आग कोई 1-1.5 बजे के बीच में, और बहुत नुकसान हुआ, और जो भी बेड रजाइयां कंबल रखते बीच में वो सारे जल गए, और कंप्यूटर रखा था वो भी जल गया, और बहुत सारा नुकसान हुआ। गहने रखे थे वो भी जल गए, आभूषण 11 कमरे खो गए हमारे, छत ऊपर से सारे जल गया, टीम जल गई है। कितने का नुकसान है ये? कोई 25-30 लाख के बीच में नुकसान हुआ है हमारे सर। पहले तहसीलदार साहब आए थे कल, उन्होंने राहत के तौर पे हमारे को 5,000 रुपये राशि दी, और अभी मुख्य सचिव हरदीप बाबा जी कांग्रेस से, उन्होंने भी हमारे को 10,000 रुपया अभी दिया, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आश्वासन दिया उन्होंने, हम पूरा सहयोग करेंगे, जितना भी हमारे से हो सकेगा उतना सहयोग करेंगे। सर मेरा नाम श्यामलाल है। हाँ जी। कल कोई 1-1.5 बजे के बीच हमारे घर में आग लगी, अचानक आग लग गई, कोई भी घर में नहीं था। सर तार अटैच हो गई या कैसे हुए हमारे को कोई पता नहीं, हम घर में ही नहीं थे। जिस कमरे से आग लगी उस कमरे में ताला लगा हुआ था बाहर से, और जो है इसी कमरे में प्रिंटर वगैरह कंप्यूटर वगैरह बेड रजाइयाँ जो भी थी इसी कमरे में थे सारे, और 3 लाख रुपए के इसमें गहने भी थे, आभूषण थे, और सर जितने भी रजाइयाँ थी, बेड थे, सोफे थे, सभी जलकर राख हो गए। और हम तीन भाई हैं सर, हमारे जितने भी 11 कमरे थे 11 कमरों में से छत जो है जा चुकी है, अब हम कहाँ जाए। राहत के तौर पर जो है कल तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने हमारे को जो है 5,000 रुपये दिया, और जो है आज हमारे कांग्रेस के सचिव श्री हरदीप बावा जी हमारे घर में इस ठंड के मौसम में आए, और जो उन्होंने हमारे को जो है रात के तौर पर 10,000 रुपये दिया, और उन्होंने आश्वासन किया कि हम जितना भी हो सके अपनी पार्टी की तरफ से आपकी पूरी मदद करेंगे, आपकी जो है पूरा जो सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल के गहराइयों से। नंद के गाँव खरपाना में हमारे पंडित जी श्यामलाल जी और रमेश जी, इनके घर पर जो फायर हुई है, जो इस फायर से का आज मुआयना करने में खुद अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचा हूँ, और बड़ा दुखद जो है दृश्य है, और जिस तरीके से नुकसान हुआ है ना सिर्फ मकान का, बल्कि इनके यहाँ जितने भी माली नुकसान, जो भी इनके गहने थे, कंप्यूटर था, प्रिंटर था, बेड था, सब कुछ जो है जल के राख हो गया, और इसके अलावा जेवरात थे, सब चीज़ें जो है वो जल कर राख हो गई हैं। मैं तो बहुत जो है इस दृश्य को देखकर मुझे तो खुद बहुत जो है अफसोस जो है मैं जाहिर करता हूँ, और आने वाले समय में किस तरीके से इनका नुकसान पूरा हो उसके लिए हम सब लोग जो है सरकार से भी अपील करते हैं कि इनको मुआवजे के रूप में जो है इनकी आर्थिक तौर पर जो है वो मदद की जाए, आसपास के लोग भी जो है इनकी मदद करें, और लोग भी आकर जो है इनका हौसला अफजाई करें, और जो नुकसान हुआ है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता, पर हमारी यही अपील है कि आने वाले समय में किसी तरीके हमारे हर गांव को जो है सड़क के साथ जोड़ना जो है हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और
जब तक सड़क जो है आखिर गांव के साथ नहीं जुड़ेगी, इस तरीके का हादसा आगे भी भविष्य में अगर हो तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इसमें आज जानी नुकसान तो नहीं हुआ प्रभु की कृपा से, पर आज जो माली नुकसान यहाँ पे इनके परिवार का हुआ है, अब गरीब व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से जो है सामान सारा इकट्ठा किया और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, पर इस परिवार को बहुत बड़ा झटका है। मैं इस परिवार को अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से जो है विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग आपके इस दुख भरी इस घड़ी में आपके साथ हैं और हमारे से भी जो बन सकेगा हमारा पूरा सहयोग जो है आपको आपके परिवार को जो है आने वाले समय में मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें उचित मुआवजा जो है इनका जो है बनता है उसको देने की कृपा करें और जिस भी तरीके से जो मदद हमारी तरफ से होगी इस परिवार को हम देने की पूरी जो है विश्वास दिलाते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।